हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन पैटर्न। ये जो है डिज़ाइन 12 रो की डिज़ाइन है फ्रेंड्स। वैसे ये डिज़ाइन 6 रो में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जब फंदे चेंज करके फिर आपको बनाने होते हैं तो ये 12 रो की डिज़ाइन है। पैटर्न सेम है लेकिन फंदे चेंज हो जाते हैं। तो चलिए, ये डिज़ाइन पैटर्न बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा है। अभी आपने इंडिया में किसी के चैनल पर नहीं बनाया होगा, देखा होगा इस डिज़ाइन पैटर्न को। चलिए हम बनाते हैं इसे। आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट में, ऑल प्रोजेक्ट में फ्रेंड्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 4 के मल्टीपल फंदे लेना है प्लस 1 फंदा एक्स्ट्रा लेना। तो यहाँ पर टोटल हमने देखिए फंदे लिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लस 1, यानी कि 17 फंदे हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए डिजाइन पैटर्न स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन के घंटे, उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट फंदा स्लिप किया है। ये ऑप्शनली आप चाहें तो बुन भी सकते हैं। इसके बाद धागे को आगे करेंगे और ये 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। धागा को पीछे ले जाएंगे। अब देखिए, यहाँ इस फंदे में हम 3 फंदा बनाएंगे। देखिए 1 और ये कैसे, देखिए धागा लपेट लेंगे सेकेंड फंदा, फिर बुनाई करेंगे थर्ड। तो देखिए 1 साइड का एड स्टिच है और 1, 2, 3 फंदा उल्टा। अब देखिए 1 फंदे में 3 फंदा हमने बनाया, 1, 2, 3। ठीक यही पैटर्न आपको रिपीट करना, धागा आगे। अब देखिए 1, 2, 3, 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब देखिए 1 फंदे से 3 फंदा बनाएंगे, 1, 2, 3, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3। अब देखिए धागा पीछे, 1 फंदे में 3 फंदा बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, धागा आगे। लास्ट के हमारे 4 फंदे हैं, तो 3 फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे, 1 फंदा सीधा। देखिए ये 3 फंदा उल्टा बुनेंगे और 1 जो है साइड का एड स्टिच है, तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। धागा पीछे ले जा करके देखिए सीधा बुन लेंगे। तो हमारा ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, ये सेकेंड रो है रॉन्ग साइड। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, धागा आगे। जो ये 3 फंदा बनाए थे ना 1 फंदे से, तो इसे भी हमें उल्टा बुनना है 3 फंदा। अब देखिए 3 फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा। अब देखिए सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रो में देखिए आपको क्या करना है, जो जैसा दिख रहा है आपको वैसे ही बुनना है। देखिए फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 3, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा साइड का एड स्टिच। तो ये थर्ड रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। 4 रो रॉन्ग साइड। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, धागा पीछे, 1, 2, 3, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, धागा पीछे, 1, 2, 3,
आखिरी धागा आगे, 1 2 3 धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3 वन साइड का एड स्टिच है, इसे उल्टा बुनेंगे। तो ये रो 4 कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए रो 5, इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 धागा पीछे। अब देखिए हमने ये 3 फंदे बनाए थे 1 फंदे से ना, अब देखिए ये 2 फंदा ऐसे ऐसे ले लेंगे और घुमा करके ऐसे सिलाई पे से डाल देंगे, ठीक। अब ये 3 का 1 कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा कि हमने कैसे किया है। देखिए 3 का 1 करेंगे, फिर इसके बाद धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 धागा पीछे। अब देखिए ये 2 फंदा, देखिए ध्यान से ऐसे सिलाई ले लेंगे राइट वाले, फिर इसे घुमा करके इसे फिर लेफ्ट सिलाई में ऐसे डालेंगे और फिर ये फ्रंट साइड से ऐसे 3 का 1 करेंगे ऐसे। देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनकर आता है फ्रेंड्स। धागा आगे करेंगे, 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब 2 फंदा देखिए ऐसे घुमा करके ऐसे कर लेंगे, फिर इस तरीके से ले लेंगे, फिर ये 3 का 1 कर देंगे और धागा आगे करके 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 साइड का एड स्टिच। तो देखिए हमारा ये 5th रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ये 6th रो है रॉन्ग साइड, इसको क्या करना है, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, पूरी सिलाई को हमें ऐसे सीधा बुनना है। देखिए सॉरी पूरी सिलाई को हमें इसे उल्टा बुनना है। धागा आगे करेंगे, देखिए 1 फंदा स्लिप करके पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये रो 6 है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये 12 रो की डिजाइन है और 6 रो ये देखिए डिजाइन पैटर्न का कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से अब हम डिजाइन पैटर्न सेम रहेगा लेकिन फंदा चेंज हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कैसे क्या करना है। अब ये 7th रो है, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, ठीक, धागा पीछे ले जाएंगे। अब जो हमने यहाँ बनाया था ना, अब देखिए यहाँ बनाएंगे इस फंदे में, देखिए 1 फंदा बना लिया, अब देखिए इसमें 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 3 फंदे बना लिए ना, अब देखिए धागा आगे लाएंगे, 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 धागा पीछे। अब देखिए 1 फंदे में 3 फंदा, 1 2 3 धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 धागा पीछे, 1 2 3 धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 धागा पीछे, 1 2 3 धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। अब देखिए हमारा ये 7th रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब ये 8th रो है रॉन्ग साइड, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3 धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3 धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये 1 सीधा, 1 फंदा उल्टा। 8th रो हो गया। अब देखिए 9th रो और 10th रो आपको जैसे हमने बताया था रिपीट करना है। देखिए फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदा
सीधा, जैसे थर्ड रो और रो फोर को हमने बुना था सेम वैसे ही आपको करना है। देखिए थ्री फंदा उल्टा, थ्री फंदा सीधा, धागा आगे, थ्री फंदा उल्टा, धागा पीछे, थ्री फंदा सीधा, थ्री फंदा उल्टा, धागा पीछे, थ्री फंदा सीधा, वन फंदा उल्टा, वन साइड का एड स्टिच है इसे सीधा। तो फ्रेंड्स ये हमारा नाइन्थ रो कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये टेंथ रो है रॉन्ग साइड। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, वन फंदा सीधा, धागा आगे, थ्री फंदा उल्टा, धागा पीछे, थ्री फंदा सीधा, धागा आगे, थ्री फंदा उल्टा, धागा पीछे, थ्री फंदा सीधा, थ्री फंदा उल्टा, धागा पीछे, थ्री फंदा सीधा, धागा आगे, थ्री फंदा उल्टा, धागा पीछे, वन फंदा सीधा, धागा आगे, वन फंदा उल्टा। तो फ्रेंड्स ये हमारा टेंथ रो कंप्लीट हो गया है। इलेवेंथ रो डिजाइन पैटर्न का फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, वन फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब देखिए ये टू फंदा ऐसे सिलाई डाल के फ्रंट साइड से ऐसे फंदे को घुमा करके फिर इसे हम लेफ्ट सिलाई में से ले लेंगे और ये फ्रंट साइड से थ्री फंदों का वन कर देंगे तो जो हमारे फंदे बढ़े थे वो घट जाएंगे। फिर धागा आगे, थ्री फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब देखिए ये टू फंदा ऐसे घुमा करके ऐसे ले लेंगे और फ्रंट साइड से थ्री का वन कर देंगे। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, थ्री फंदा उल्टा बुनाई करेंगे, धागा पीछे, ये टू फंदा ऐसे घुमाएंगे, फिर इसे हम लेफ्ट सिलाई में डालेंगे और यहाँ ये थ्री का वन फ्रंट साइड से थ्री का वन कर देंगे। धागा आगे, थ्री फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये देखिए ऐसे फ्रंट साइड से सिलाई को डाल के घुमा करके फंदे हम फिर लेफ्ट सिलाई में ले लेंगे और फ्रंट साइड से फिर डाल के ऐसे थ्री फंदा का वन करेंगे। धागा आगे, वन फंदा उल्टा, वन साइड का एड स्टिच है इसे सीधा बुनेंगे। तो हमारा इलेवंथ रो कंप्लीट हो गया डिजाइन पैटर्न का। फ्रेंड देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा बनकर आया। अब देखिए ये ट्वेल्थ रो है, फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनना है। इसे पूरा इस तरीके से उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए ये ट्वेल्थ रो में डिजाइन पैटर्न कितनी प्यारी और खूबसूरत सी बनकर आई है। देखिए कितना सुंदर डिजाइन बनकर आया। यही वन से लेके ट्वेल्थ रो आप रिपीट करते जाइएगा। देखिए ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो देखिए ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है और ईजिली फ्रेंड्स इसे आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको डिजाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।